अब देखते हैं कि हमने जो रेड वेलवेट केक बनाया था उसकी आइसिंग कैसे होती है। सो रेड वेलवेट केक की खासियत ये है कि उसकी आइसिंग में बटर होता है। सो थोड़ा सा बटर लेना है, उस बटर में हम 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, पिसी हुई शक्कर, और उसे अच्छे से फेटेंगे विद द हेल्प ऑफ बीटर। अब इसमें हम डालेंगे व्हिप क्रीम। सो 1 to 2 कप व्हिप क्रीम जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसे भी अच्छे से फेटेंगे। सी कैसे क्रीमी टेक्सचर आया है इसे। एंड नाउ द टाइम फॉर एन आइसिंग। अब यहाँ पे जो रोज़ वाटर मैंने यूज़ किया है उसमें मैंने शुगर सिरप जो यूज़ किया है, शुगर सिरप में मैंने थोड़ा सा रोज़ जो एसेंस है उसके 2 ड्रॉप्स डाले हैं ताकि एक फ्लोरल जो टेस्ट है रोज़ जैसी वो आए। अगर आपको पसंद नहीं है रोज़ एसेंस सो यू कैन स्किप इट। अब केक का दूसरा पार्ट जो है वो हम इस पे रखेंगे और इसे भी हम शुगर सिरप से कवर कर लेंगे। मैंने कुछ क्रम्बल्स निकाल के रखे थे इसी केक से, सो हम इसे डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं ताकि सामने वाले को पता तो चले कि रेड वेलवेट केक है। अगर पूरे आइसिंग से अगर हम कवर कर लेंगे सो समझ में नहीं आएगा ये कौन सा केक है। सो इसका क्रम्बल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। साइड से भी हम ये क्रम्बल्स जो है वो हमारे केक को ढक देंगे। Now let's decorate it with these hearts. अब देखते हैं हमारा व्हाइट फॉरेस्ट केक कैसे आइसिंग किया जाता है।
अब हम इस पे वाइट चॉकलेट डालेंगे ताकि मिडल पोर्शन भी अगर हम खाएंगे तो उस बाइट में भी हमें चॉकलेट्स आएंगे। आफ्टर टॉपिंग द चॉकलेट अब हमारा केक जो है वाइट फॉरेस्ट ही रेडी है, बट कुछ खाली खाली सा लग रहा है इसलिए मैं इस पर फ्लावर बना रही हूँ, रोज़ फ्लावर। सो वो कैसे बनाते हैं, मैंने पहले आपको इस स्टैंड के बारे में बताया था। तो एक बेस हम ऐड करेंगे, अब हम देखते हैं कि व्हाइट फ्लावर को कलर स्प्रे से कैसे कलर किया जाता है। सो हमारा वाइट फॉरेस्ट केक जो है वो भी रेडी हो गया है। हमने सबसे पहले जो कपकेक्स बनाए थे उसका क्या करना है, सो जो भी रिमेनिंग व्हिप क्रीम है अलग अलग कलर की उसे एक पाइपिंग बैग में अल्टरनेट कलर करके भर दीजिएगा और मल्टी कलर्ड कपकेक्स जो है वो आपके हिसाब से जैसे आपको डिज़ाइन करनी है, एक ही नोजल से देखिए कितनी सारी डिज़ाइन हो सकती हैं, सो यू कैन यूज़ इट लाइक दिस। सो यहाँ हमारा जो वर्कशॉप है वो कम्प्लीट होता है। थैंक यू सो मच।